अच्छे बच्चे हैं बल्कि बहुत ज़्यादा खास लोग भी हैं, तो हम उनसे पूछते हैं कि ये कौन है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बीना जावेद है और मैं स्पेशल ओलंपिक्स में कोऑर्डिनेटर फॉर आउटरीच एंड एथलीट इंगेजमेंट के तौर पर काम करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फरखंदा है और मैं स्पेशल ओलंपिक्स पाकिस्तान में नेशनल स्पोर्ट्स कोऑर्डिनेटर हूँ। तो ये दोनों काफ़ी ख़ास शख्सियत हैं और ये पाकिस्तान का नाम रोशन करने में इनके बहुत हाथ है, तो हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आपको कैसा लगा था जब आपकी टीम जीती थी? आपकी टीम जीती थी पाकिस्तान। बहुत अच्छा लगा था, इसमें हम लोगों ने बहुत सारे स्पोर्ट्स में पोजीशंस हासिल किए हैं और बहुत खुशी की बात है कि हमारे कोचेज जो इतने टाइम से मेहनत कर रहे थे, जो एथलीट्स, उन्होंने जो है ये अचीवमेंट हासिल की। जी, आप सवाल दोहराइएगा। आपको कैसा लगा आपकी अचीवमेंट हासिल की पाकिस्तान के नाम रोशन करके? सबसे ज़्यादा खुशी की बात यह है कि हम लोगों ने इतने साल जो मेहनत की, बच्चों ने, कोचेज़ ने, सब ने मिलकर मेहनत की और जो भी एजाज़ बच्चों ने हासिल किए उसमें सबसे अच्छी बात ये थी कि वो पाकिस्तान का नाम उन्होंने रोशन किया और एक आलमी सतह पर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया, इससे सबसे ज़्यादा खुशी की बात ये। आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन यहाँ पर कुछ झोल है। हमारे हम सबसे एक सवाल पूछ रहे हैं, ये थ्योरी हमारी मिस्ट्री ख़त्म नहीं होगी? तो ये सवाल है, अंडे का फंडा है कि यहाँ पे आपको बताना है पहले मुर्गी पैदा हुई थी या अंडा? मेरे ख्याल में पहले मुर्गी पैदा हुई थी। मुर्गी। गलत जवाब, दोनों का गलत जवाब। एक्चुअल में इसके पीछे खास थ्योरी है, क्योंकि जो मुर्गियाँ आई हैं वो डायनासोर से आई हैं, तो पहले अंडा आया उसके बाद मुर्गी आई। तो अभी के लिए अल्लाह हाफिज़ आप दोनों को। जी, अभी के लिए अल्लाह हाफिज़ आप दोनों को। थैंक यू सो मच। थैंक यू।